काफ़ी डेलिकेट एज होती है जब हम स्कूल में होते हैं, छोटी छोटी बातें कई बार याद रह जाती हैं। मुझे आज तक याद है कि किसी ने मुझे क्या बोला था और उसका आज तक इम्पैक्ट है। अगर आपकी स्किन उस वक्त ठीक ना हो तो कई बार वो बातें आपको ज़िंदगी भर परेशान या हॉन्ट करती हैं। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है टीनेज एक्ने, एक डेलिकेट उम्र में एक डेलिकेट सी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है घर बैठे बैठे। आइए मेरे साथ चलते हैं, मिलते हैं डॉक्टर प्राची भट्टर से जो कि जाने माने स्किन स्पेशलिस्ट हैं। हाय डॉक्टर। हाय। टीनेज में हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, चाहे लड़के हों या लड़कियां, उनको एक्ने हो जाता है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या कारण है? टीनेजर्स में एक एक्ने एक ऐसी कंडीशन है जो सबसे ज़्यादा टीनेजर्स ग्रुप को अफेक्ट करती है, क्योंकि टीनेजर में हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में प्यूबर्टी के समय, तो उसे ऑयल ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा। ये ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी जो इंक्रीज होती है वो ही कारण बनती है ऑयली स्किन का और आगे एक्ने होने का। तो इसमें मैं फीमेल में पर्टिकुलरली ध्यान देना चाहूँगी, क्योंकि फीमेल्स में अगर हॉर्मोनल डिस्टर्बेंस रहता है तो उसे उनके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, इरेगुलर पीरियड्स एक्ने होते हैं, और एक्ने के साथ साथ उनके फेस में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ भी हो सकती है, स्पेशली लोअर फेस में। अच्छा। और हेयर फॉल फ्रॉम स्कैल्प हो सकता है। ओह माय गॉड। ये एक दैट्स अ लॉट इन अ टीनेज, मतलब ये हमको ऐसा लग रहा है कि ये सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, बट एक्चुअली ये एक ही प्रॉब्लम है जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अच्छा। तो अगर ये प्रॉब्लम रहती है तो हमको पूरा हार्मोनल प्रोफाइल चेक करके उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो यानी कि जो पेरेंट्स इस वक्त हमको देख रहे हैं, अगर मैं उनसे पूछना चाहूँगी, मतलब वो लोग, उनको क्या करना चाहिए? आई एम श्योर बच्चे को ऐसे देखकर परेशान हो जाते हैं, तो उनको कैसे पता लग जाएगा कि अब डॉक्टर के पास जाना है? ये एक्ने कभी भी यूजुअली रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट होते हैं, कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो एक डॉक्टर ने एडवाइस किया है, लेकिन एक्ने आपके ठीक नहीं हो रहे हैं। सो दैट इज़ द पॉइंट वेयर वी शुड टेक अप हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन, या फिर कुछ लोगों को एक्ने के साथ साथ ही फेशियल हेयर ग्रोथ आ जाएगी, इरेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे, वेट गेन हो जाएगा। अच्छा। सो तब हम देन इज द अलार्मिंग, वो अलार्म है आपका, दैट इज द अलार्मिंग थिंग। हां, अच्छा। और अब सॉल्यूशन क्या है डॉक्टर? इसके लिए पहले तो हमको पूरा हार्मोनल प्रोफाइल चेक करके हमको ट्रीटमेंट हार्मोनल प्रोफाइल से स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि एक्ने सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये दिस इज़ अ क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अगर हम हार्मोनल प्रोफाइल ठीक करते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अगर इसको ठीक नहीं किया तो ये आगे जाके और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि स्कारिंग होना एक्ने में, फिर फेशियल हेयर अगर और थिक हो गए तो वो शायद रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। अच्छा। तो इसको जितना अर्ली आप इंटरवेंशन लेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। मतलब अगर इन शॉर्ट, इन अगर हम एंड में इसको कंक्लूड करना चाहें, तो क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? डेफिनेटली प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, एंड मेडिकली भी सोल्यूशन है। देन वी कैन डू गो फॉर प्रोसीजरल ऑप्शंस आल्सो, जैसे हेयर के लिए आप लेज़र हेयर रिडक्शन करवा सकते हैं, जैसे एक्ने स्कारिंग के लिए आप लेज़र। या चलिए थैंक गॉड, मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि अब लाइफ इज टू एन एंड, क्योंकि क्या होता है ना, एक लड़की के चेहरे पे अगर बाल आ जाएं, उसके बाल कम हो जाएं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है डॉक्टर। बिल्कुल। चलिए, ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात कर, और आई एम श्योर आपको भी घर बैठे बैठे अगर इतना अच्छा सोल्यूशन मिल रहा है, वो होप मिल रही है कि जिस वजह से आप परेशान हैं अब उसका सोल्यूशन है, तो वो उस सोल्यूशन के लिए सही डॉक्टर के पास जाएं। और अगर कोई सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। ग्लामिस्ट्री बाय सुगंधा पर आप हमको फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।